आदित्य, अभी बीजेपी के नेता विनोद तावड़े हमारे साथ हैं, हम विनोद जी के पास चलते हैं। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो सुबह है, ऐसा लगता है बड़ी शानदार सुबह आपके लिए इस समय चल रही होगी। तो अभी तक जो रुझान है, जो नतीजे आ रहे हैं, इसमें एक दो बातें सामने आ रही हैं बीजेपी के लिए। प्रो इनकम्बेंसी वेव सामने आ रही है, और दूसरी बात यह है कि विकास के नाम पर भी वोट मिल सकते हैं। तो इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है, और फिर मैं पंजाब के बारे में भी आपकी प्रतिक्रिया जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि आप पहले आम आदमी पार्टी ने आपको दिल्ली में साफ किया, और इस बार आम आदमी पार्टी ने आपको पंजाब में साफ कर दिया है बिल्कुल। लेकिन पहले फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में और गोवा मणिपुर में जिस प्रकार भाजपा के रुझान दिखाई दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल सच है कि विकास के काम जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, उसको जनता का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा था कि कास्ट बेस पर वोट बटेंगे, यादव मुस्लिम ये साथ आएंगे, किसान आंदोलन का नुकसान होगा भाजपा को। मुझे लगता है किसान आंदोलन तो शुरू किया कांग्रेस ने और कांग्रेस साफ हो गई, और इसलिए मुझे लगता है कि एक तरफ जो हिंदुत्व की कमिटमेंट भाजपा ने दी थी, राम मंदिर हो, काशी का हो, आर्टिकल 370 हो, वो करते समय प्रदेशों के लीडरशिप ने वहाँ किए हुए विकास के काम, और सबसे ज़्यादा जब मैं उत्तर प्रदेश में प्रचार के लिए जा रहा था तो विशेषकर उनकी भाषा में जो सुन रहा था कि सुबह का गल्ला मोदी जी दे रहे थे, शाम का गल्ला योगी जी दे रहे थे, यानी भोजन अनाज जो गया, हमारे पिता, हमारे पति, हमारे भाई बेरोजगार थे कोरोना के समय में, लेकिन हमारा घर भूखा नहीं सोया, ये मोदी जी और योगी जी के कारण। मुझे लगता है कि विकास से लेकर ये आम सामान्य आदमी की जो चिंता भाजपा के नेतृत्व ने की है, उसको जनता ने दिया हुआ ये आशीर्वाद है, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन विनोद जी, पंजाब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पंजाब में जिस तरीके से लोगों ने आम आदमी पार्टी को जबरदस्त अपना समर्थन दिया है, ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये दूसरा राज्य है जहां बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से मार खाई है। सब पंजाब में बीजेपी ने मार खाई ये कहना थोड़ा ज्यादा होगा, गलत भी होगा। ऐसे वहां तो हम अलायंस में लड़ते थे, कभी ज्यादा सीटें हम लड़े नहीं। इस बार 70 के ऊपर की सीटें कमल चिन्ह पर हम खड़े कर पाए, और अगर वहाँ कोई साफ हुआ तो कांग्रेस साफ हो गई। अकाली दल को झटका वहाँ बैठा है। मैंने कहा किसानों का आंदोलन तो कांग्रेस ने उसको बढ़ावा दिया और उनका ही नुकसान हो रहा है, और आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार में आने पर चिंता करनी चाहिए विपक्ष ने कि ना कांग्रेस चल रही है, ना तृणमूल चल रही है, ना राष्ट्रवादी पवार साहब चल रहे हैं, ना कोई चल रहे। अगर आम आदमी पार्टी चल रही है तो आगे चलकर भाजपा से लड़ने वाला पार्टी कौन होगी, ये चिंता विपक्ष की है, हमारे नहीं है। हम पॉजिटिवली विकास काम करते हुए लोगों के पास जा रहे हैं और लोगों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं जी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से जो पूरी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है पंजाब की, उसे उखाड़ दिया है। देखिए, दोनों बादल हार रहे हैं, सिद्धू हार रहे हैं, चन्नी हार रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह हार रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के वो जो आम लोग हैं जो स्कूटर पर चुनाव प्रचार कर रहे थे, स्कूटी पर, तो बड़े बड़े जो नेता थे, जो बड़ी बड़ी SUVs में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ लाखों करोड़ों रुपया लगाकर दल बल के साथ उतरे हुए थे, वो हार रहे हैं, और स्कूटी वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो जीत रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल, मुझे लगता है पंजाब में जिस प्रकार की राजनीति पिछले कुछ सालों से चल रही थी, उस राजनीति से लोग तंग आए थे, और लोगों ने ये सोचा था कि हमें कोई परिवर्तन चाहिए, और उनको परिवर्तन के रूप में, पर्याय के रूप में स्वाभाविकता आम आदमी नजर आई, और उन्होंने उनको वोट दिया। मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में आम व्यक्ति ने जो उसका मत दिया है, उसका स्वागत करना चाहिए जी। आप कह रहे हैं कि बीजेपी पंजाब में पहले से ही आप मजबूत नहीं हो पाए क्योंकि आपका बादल के साथ गठबंधन था, लेकिन तो भी बीजेपी एक पुरानी पार्टी है, आपकी जड़ें तो भी पंजाब में बहुत पुरानी है। आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, पंजाब में उसकी कोई जड़ें नहीं थी, उन्होंने बिल्कुल नई शुरुआत की है। वैसी ही शुरुआत आप भी कर सकते थे जब आपने अकाली दल से अपना गठबंधन तोड़ा, और विकास की बात, विकास आपने उत्तर प्रदेश में किया है, बाकी जगह किया है, तो आपने पंजाब में भी किया ही होगा, तो वहाँ इस विकास का लाभ आपको क्यों नहीं मिला? नहीं, एक मैंने जैसे कहा कि हम अकाली दल के साथ लड़ रहे थे और मुश्किल से साल सवा साल पहले हमारा गठबंधन टूटा। आम आदमी पार्टी तो पिछले कई सालों से वहाँ अपना पैर जमाने का प्रयास कर रही है, और अलायंस की राजनीति तो मैंने महाराष्ट्र में देखी है 25 साल की,
तो कई सीटें ऐसी हैं कि सालों साल जहां बीजेपी नहीं लड़ती है वहां भाजपा को संगठन के नाते खड़ा होना मुश्किल होता है। और मुझे लगता है कि पंजाब में भी यही रहा कि अकाली दल को बड़ा शहर नहीं, बहुत बड़ा शहर अकाली दल को मिलता रहा, उस कारण पंजाब को भाजपा, पंजाब में भाजपा को वो मौका संगठन के तौर पर बढ़ने का मिला नहीं। आगे आने वाले 5 साल में आप देखिए, 2024 के लोकसभा में देखिए, आपको चित्र बदला हुआ दिखेगा। विनोद जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में प्रो इनकम्बेंसी वोट माना जाए, इसे डबल इंजन की सरकार के लिए वोट माना जाए या बीजेपी के लिए, अगर मैं माय फैक्टर की बात करूं, मोदी योगी के लिए वोट माना जाए? मुझे लगता है ये सबका समन्वय उसमें है। हिंदुत्व की जो कमिटमेंट्स भाजपा ने किए थे, राम मंदिर के हो, काशी विश्वनाथ के हो या विकास के हो, ये दोनों को मिल, दोनों के कारण ही यूपी की वोट बैंक ये जाति के ऊपर आई। लोग कह रहे थे यादव, मुस्लिम्स और दलित मिलकर भाजपा को ख़त्म करेंगे और सपा 300 के ऊपर जाएगी। एक तो अखिलेश का कोई फेस, ये विश्वास वो फेस नहीं है, और ना राहुल गांधी ना प्रियंका जी वहाँ कुछ कर पाए, और इसलिए हिंदुत्व और विकास, मोदी जी और योगी जी का काम, ये दोनों को ये जनता ने दिया हुआ आशीर्वाद है। तो क्रेडिट किसको देंगे, मोदी योगी जी को क्रेडिट देंगे या जो बीजेपी ने पोल पिच तैयार की जिसमें वेलफेयर स्कीम्स पर फोकस किया, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की बात की गई? आपने हिंदुत्व का जिक्र किया लेकिन उतना ही फोकस वेलफेयर स्कीम्स पर भी किया, और थोड़ी देर पहले जैसे कि सुधीर जी कह रहे थे इसको कहना चाहिए डबल विकास पर वर्डिक्ट। बिल्कुल सही, ऐसा सिर्फ कोई चेहरा नहीं, उस चेहरे ने अगर वेलफेयर किया हो, विकास किया हो, डबल इंजन की, मैंने कहा ना कि सुबह का गल्ला मोदी जी ने, शाम का गल्ला योगी जी ने, ऐसे जो कई काम केंद्र और राज्य सरकार की ओर से विकास के अन्य अन्य क्षेत्र में हुए हैं उसको मिला हुआ ये आशीर्वाद है। इसलिए विकास की राजनीति ये आने वाले दिनों में बढ़ेगी, ये इससे हम सब महसूस कर रहे हैं। जी विनोद जी, आपका शुक्रिया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।